Good morning, dear students. This is your maths period, and today I am going to start a new lesson. Time. Time. Do you know what is the meaning of time? This is time for maths class. How do you come to know? कैसे पता चला आपको maths period का time? By seeing the time in your clock or watch. घड़ी और घड़ी से देखकर हमें पता चलता है कि क्या टाइम है। आपको घड़ी देखना आती है? जब आपको घड़ी देखना आएगी तो ही पता चलेगा इस टाइम पर मैथ्स का पीरियड है, उसके बाद हिंदी का पीरियड है, फिर ईवीएस का है और इंग्लिश का है। तो हम टाइम कैसे देखते हैं? हम टाइम घड़ी से देखते हैं। घड़ी दो तरह की होती है, क्लॉक और वॉच। क्लॉक जो दीवार पर लगती है और वॉच जो हम रिस्ट में पहनते हैं। ठीक है, क्लॉक टाइम कितनी तरह से देख सकते हैं? दो तरह से, क्लॉक और वॉच। क्लॉक उसको बोलते हैं जो दीवार पे लगती है और वॉच जो रिस्ट में पहनते हैं। टाइम देखने के बहुत से तरीके हैं। मोबाइल में भी टाइम आता है, टीवी में भी टाइम आता है, लैपटॉप और कंप्यूटर में भी टाइम आता है। आजकल घड़ी डिजिटल वॉच सब जगह आती है, इट इज कॉल्ड द डिजिटल वॉच। हम सीखेंगे क्लॉक कि हम कैसे क्लॉक ड्रो करेंगे और टाइम देखेंगे और कैसे हैंड्स ड्रो करेंगे। आपने क्लॉक देखी है? मैं एक सर्कल क्लॉक बना रही हूँ। ठीक है, क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 12। क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 12। मैंने क्लॉक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अप डाउन लेफ्ट राइट। 4 इक्वल पार्ट में मैंने क्लॉक को डिवाइड किया। सबसे ऊपर लिखा मैंने 12 और नीचे लिखा 6, राइट में 3, लेफ्ट में 9। सबको दिख रहा है? मैंने क्लॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ऊपर मैंने लिखा 12, नीचे लिखा 6, राइट में लिखा 3, लेफ्ट में लिखा 9। अब हमें क्या करना है? 12 और 3 के बीच में 2 स्टिक्स बनाना है। 3 और 6 के बीच में भी 2 छोटी छोटी स्टिक्स बना लिए इक्वल डिस्टेंस पर। आपको ध्यान रखना है इसके बीच में और इसके बीच में बराबर डिस्टेंस है। 6 और 9 के बीच में भी छोटी छोटी 2 लाइन्स बनानी है। 9 और 12 के बीच में छोटी छोटी 2 लाइन्स। ठीक है, मैंने सब नंबर्स के बीच में 2-2 लाइंस बनाई है। सबको दिख रहा है ना कि मैम ने कैसे करे सर्कल बनाया, फिर सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, अप डाउन लेफ्ट राइट। फिर मैम ने यहाँ 12 लिखा और नीचे 6 लिखा, राइट में 3 लिखा, लेफ्ट में 9 लिखा और सबके बीच में 2 स्मॉल स्मॉल लाइंस ड्रॉ। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं काउंटिंग लिखती हूँ। 1, 2, 1, 2। 3 लिखा हुआ है, 4, 5। 6 लिखा हुआ है, 7, 8। 9 लिखा हुआ है, 10, 11। और बीच में एक सर्कल, छोटा सा सर्कल नहीं डॉट, बीच में क्या लगा है? छोटा सा डॉट। अब आप देखिए कि आपको ये क्लॉक जैसा लग रहा है? लग रहा है ना? हमने क्या लिखा? क्लॉक में नंबर्स होते हैं 1 से लेके 12। क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? 1 से लेके 12 तक क्लॉक में नंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया और 12 तक ले लिया। अब आपने क्लॉक देखी है, किसी क्लॉक में 2 हैंड्स होती है और किसी में 3 हैंड्स। हैंड्स मतलब क्या होता है? सुइयां। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, हैंड्स क्लॉक की हैंड्स को क्या बोलते हैं? सुइयां। किसी में 2 हैंड्स होती है, किसी में 3 हैंड्स होती है, होती है ना? जैसे मेरे इस क्लॉक में 1, 2, 3 हैंड्स। मेरे इस क्लॉक में कितने हैंड्स हैं? 3 हैंड्स हैं। 2 हैंड्स भी हो सकते हैं, 3 हैंड्स भी हो सकते हैं। अब 3 हैंड्स कौन कौन सी? शॉर्ट हैंड,
एक शॉर्ट हैंड है, एक लॉन्ग हैंड है और एक थिन हैंड है, पतली वाली स्टिक। थ्री हैंड्स कौन कौन सी है? एक शॉर्ट हैंड, एक लॉन्ग है और एक थिन है। एक छोटी सुई, एक बड़ी सुई और एक पतली वाली सुई। हमने घड़ी में ध्यान से देखा, ये सुई बहुत धीरे धीरे चलती है, लॉन्ग एक थोड़ी सी फास्ट चलती है और थिन एंड बहुत फास्ट चलती, रुकती नहीं। तो आपको ये बताना चाहिए, शॉर्ट एंड हमें आवर्स शो करती है, लॉन्ग एंड हमें मिनट्स शो करती है और थिन एंड हमें सेकंड्स शो। दिख रहा है आप सबको मैंने क्या क्या समझाया आपको? मैंने घड़ी बनाई और घड़ी में आपने देखा एक से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे और मैंने आपको बताया किसी किसी क्लॉक में टू हैंड्स होती है, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, और किसी किसी क्लॉक में थ्री हैंड्स होती है, शॉर्ट लॉन्ग एंड थिन हैंड्स। सब तरह की घड़ियां होती है और डिजिटल क्लॉक में क्या हैंड्स नहीं होती है, उसमें टिक 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 बस नंबर आते हो, कुछ भी नहीं होता, हैंड्स तो होती नहीं है। लेकिन हमारे क्लॉक्स में तो हैंड्स होती है ना। अब थ्री हैंड्स का क्या वर्क? शॉर्ट हैंड में आवर्स दिखाती है, लॉन्ग हैंड में मिनट्स बताती है, थिन हैंड में सेकंड्स। इसीलिए आवर बड़ा होता है मिनट से, मिनट बड़ा होता है सेकंड से। तो ये बड़ा काम करती है, धीरे धीरे चलती है, थोड़ा सा छोटा काम करती है, थोड़ा धीरे चलती है, और ये सबसे छोटा काम करती है, बहुत जल्दी चलती है। इसका काम जल्दी खत्म हो जाता है, इसका थोड़ा धीरे होता है, इसका सबसे धीरे होता है। समझ में आ गया आपको? हमारी क्लॉक रात को 12 बजे से स्टार्ट होती है, रात को 12 बजे के बाद वापस 1 2 3 स्टार्ट होता है, फिर वापस दिन में 12 बजे के बाद 1 2 3 स्टार्ट होता है। देखा है ना आपने घड़ी में? और वन डे में 24 आवर्स होते हैं। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो आपने हमारी घड़ी को देखा, समझा। अब आप इसमें लिखिए जो मैं आपको लिखवाती हूँ, है ना। वन डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। और क्लॉक में नंबर्स आपने देख लिया, हैंड्स आपने देख ली, शॉर्ट हैंड में क्या बताती है, लॉन्ग हैंड में क्या बताती है और थिन हैंड में क्या बताती है। अब आप इस घड़ी को देख रहे हो, इस घड़ी में आप देख रहे हो क्या टाइम हुआ है? जब हमारी शॉर्ट हैंड 3 पर होती है और लॉन्ग हैंड 12 पर है तो हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है 3 बजे। हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 बज गए। और भी हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और 3 o'clock। हम घड़ी का टाइम क्या हुआ हमारे घड़ी में? 3 बजे है, या हमसे बोलते हैं 3 o'clock। दिख रहा है सबको? हमारी घड़ी देखने का तरीका है, शॉर्ट हैंड जिस टाइम पर होता है, जिस नंबर पर होता है, और लॉन्ग हैंड 12 पर होता है, तो घड़ी का वह टाइम। जैसे आवर शॉर्ट हैंड एट 3 एंड आवर लॉन्ग हैंड एट 12, सो इट इज 3 o'clock और 3 बजे, द टाइम इज 3 और 3 o'clock। अब आपका अगर शॉर्ट हैंड 4 पे आ गया और लॉन्ग हैंड 12 पर है तो 4 o'clock, शॉर्ट हैंड 6 पर आ गया, लॉन्ग हैंड 12 पर है तो 6 o'clock। शॉर्ट हैंड जिस नंबर पर होता है और लॉन्ग हैंड 12 पर ही होना चाहिए,
लॉन्ग हैंड की पोजीशन चेंज नहीं होगी, लॉन्ग हैंड 12 पर होता है और शॉर्ट हैंड जिस नंबर पर होता है घड़ी का टाइम वही होता है। जैसे आपकी क्लास 9 o'clock स्टार्ट होती है ना, तो आपका शॉर्ट हैंड 9 पर होगा और लॉन्ग हैंड 12 पर होगा, उसको हम बोलेंगे 9 o'clock। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने आज घड़ी को देखा कि घड़ी कैसे ध्रुव बढ़ती है, घड़ी में कितने नंबर्स होते हैं, घड़ी में कितनी हैंड्स होती है और सारी हैंड्स हमें क्या शो करती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, कल हम और क्लॉक्स ड्रॉ करेंगे और उसका टाइम लिखेंगे। आज आपको ये याद करना है, 1 day = 24 hours, 1 hour = 60 minutes, 1 minute = 60 seconds. And there are 3 hands in a clock and numbers are 4, 1, 2, 12. Short hand tells us hours, long hand tells minutes, thin hand tells seconds. Thin hand moves very fast, long hand moves slow and short hand moves very slow. Very slow. ठीक है, और आगे हम और देखेंगे कि क्लॉक हम कैसे देखते हैं और कैसे सीखते हैं। आज आप इसको लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे। जो काम मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर कराया है इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको समझना और लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कल हम आगे और क्लॉक्स ड्रॉ करेंगे और सीखेंगे।